हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा G20 का वर्चुअल सम्मेलन हुआ है, एक तरह से ऑनलाइन हुआ है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोरोना महामारी है, इसके कारण एक जगह से दूसरी जगह जाना नामुमकिन है और इसलिए ऑनलाइन किया गया है। और किसने इसकी अध्यक्षता की है? एक तरह से सऊदी अरब ने। किसने? सऊदी अरब ने। ये है आपका सऊदी अरब, देखिए ये है आपका सऊदी अरब, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ से आप जाएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरब। इससे लगे देशों की बात करें तो यमन देखने को मिलेगा यहाँ आपको, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ ये फारस की खाड़ी, और इसका तरफ देखेंगे तो आपका लाल सागर है, ऊपर जॉर्डन और इराक भी यहाँ देखने को आपको मिलेगा। आप देखिए आप लोगों की G20 के बारे में आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं और पूछता रहता है। क्यों पूछता रहता है? क्योंकि हर बार आप देखते हैं एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे आप G20 के बारे में अगर सामान्य जानकारी रखें तो इसमें 20 देश शामिल हैं, 19 आपके देश शामिल हैं और 20वां आपका यूरोपीय संघ शामिल है इसमें। और इसकी बैठक हर साल होती है। क्या होती है? हर साल होती है। और इसका गठन की बात करें तो आप देखेंगे 1999 में आयोजित किया गया था, और पहली बार ये आपका इसकी अध्यक्षता की बात करें तो बर्लिन में हुई थी। कहाँ हुई थी बैठक? बर्लिन में 1999 में। हाल ही में G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत ने कोरोना के बाद वाली दुनिया के लिए नया वैश्विक सूचकांक बनाने का सुझाव भी दिया है। नया वैश्विक सूचकांक 4 स्तंभों पर आधारित होगा। इसमें पीढ़ीवाद, प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और पृथ्वी के संरक्षण का भाव है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की मेजबानी सऊदी अरब ने की है, ये भी आपको याद रखना है। भारत के बारे में, भारत कब करेगा उसके बारे में याद रखना है। 2-3 साल के आसपास के 21, 22, 23, 24, इनको भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इस ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा। प्रतिभा, मानव प्रतिभा का बड़ा पूल तैयार करने के लिए बहुकौशल तथा पुनः कौशल पर ध्यान दिया जाए। भारतीय पहल जैसे जैसे कि राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, जिसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में क्षेत्रों और राज्यों में पहुंच बनाना है। भारत की नई शिक्षा नीति और प्रधानमंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम इसके साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं। एक बात और आप लोग जान लीजिए यहाँ, कि आप जानते हैं कि सबसे युवा वाला देश हमारा ही है, एक तरह से युवा जनसंख्या हमारे ही देश में देखने को मिलेगी। अगर आप इन्हें शिक्षा नहीं देते हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं देते हैं, प्रशिक्षण नहीं देते हैं, तो इनका आप लोग लाभ नहीं ले सकेंगे, एक तरह से हमारे देश पर बोझ बन जाएंगे। अगर इन्हें आप लोग एक तरह से संसाधनों में बदल देते हैं, जैसे आप लोग मानव संसाधन कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक परिवार में 5 मेंबर हैं, आप समझिए कि अगर उन्हें शिक्षा नहीं मिलती है तो वो क्या करेंगे? कहीं आप देखते होंगे 2 से 4 हजार रुपये में महीना गुजारा करते रहेंगे और इतने में काम करते रहते हैं। अगर उन्हें आप शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, तो मान लीजिए कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर, कोई आपका सिविल सर्वेंट, तो उनकी स्थिति क्या रहेगी? वो अपनी स्थिति तो सुधारेंगे, साथ में आप देखेंगे देश की विकास दर में यानी कि अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान देंगे। तो यही एक तरह से कौशल का प्रभाव भी होता है। और नई शिक्षा नीति आपकी जो आई हुई है, इसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छी है, अगर हकीकत में अगर ये मतलब आप समझिए कि लागू हो जाती है, और इसका प्रभाव आप आने वाले दिनों में जरूर देख पाएंगे अगर सही से लागू होती है तो। ठीक है, प्रौद्योगिकी की बात करें तो नई प्रौद्योगिकी का कोई भी आकलन जीवन की सुगमता और जीवन की गुणवत्ता पर उसके प्रभाव के आधार पर होना चाहिए। और भारत ने एक अनुवर्ती और प्रलेखन भंडार के रूप में G20 आवासीय सचिवालय के निर्माण का सुझाव भी दिया है। भारत के डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस अभियानों ने लोगों की तकनीकी और अन्य सरकारी सेवाओं तक पहुंच बढ़ा दी है। और मुझे लगता है कि इस समय आप जान रहे होंगे कि प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का कितना महत्व है आपकी जिंदगी में। एक साधारण से उदाहरण ले लीजिए आप लोग, आप देखते हैं कि आप ट्रेन में जाते हैं तो कहीं आप मोबाइल में देखते रहते हैं कि कहाँ पहुंची है वो ट्रेन, और जो अनपढ़ होते हैं, जो एक तरह से नहीं जिन्हें मालूम है, वो एक तरह से आप देखते होंगे झांक के देखते हैं कि आ गई ट्रेन, यानी कि उनके आने से मतलब झांकने से क्या जल्दी ट्रेन आ जाएगी। आप समय का भी बचत करते हैं इससे, आप देखते हैं कि 2 घंटे लेट चल रही है तो आप 2 घंटे बाद ही जाएंगे। ठीक है, पारदर्शिता की बात करें, सूचना का अधिकार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार जैसे सुधार भारत में शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। न्यायता, पर्यावरण के साथ मालिकों के बजाय न्यासी के रूप में व्यवहार करने से समग्र स्वास्थ्य जीवन शैली का जन्म हुआ। जलवायु परिवर्तन को साइलो में नहीं बल्कि एकीकृत तो व्यापक और समग्र तरीके से लड़ा जाना चाहिए। कार्बन फुटप्रिंट, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को एक विशेष मानवीय गतिविधियों द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है। भविष्य की बैठकों की बात करें तो 2021 में इसकी बैठक कौन करेगा? इटली। 2022 में इंडोनेशिया, और 2023 में भारत, और 2024 में आपको देखने को मिलेगा ब्राजील।
एक क्वेश्चन आप लोगों को नीचे लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर हम लोग कितनी बार अभी तक चुने जा चुके हैं, हाल ही में कौन सी बार हम लोग चुने हैं और किन किन सालों के लिए चुने गए हैं, नीचे आप लोग सर्च करके लिखिए, ठीक है। और इन चारों को याद भी रखिए, इटली, इंडोनेशिया और भारत, और आप देखेंगे 24 में आपका ब्राजील करेगा, 75 भी आप जानते हैं कि वर्षगांठ भी मनाई जाएगी 22 में हमारी, ठीक है। उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत की पहल की बात करें, ढांचागत क्षेत्र, भारत की अगली पीढ़ी का बुनियादी ढांचा न केवल सुविधाजनक और कौशल होगा बल्कि यह एक स्वच्छ वातावरण में भी योगदान देगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 2017 में हैम्बर्ग G20 बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, यह एक संयोजक निकाय के रूप में कार्य करेगा जो निर्माण, परिवहन, ऊर्जा, दूर संचार और पानी के पुनर्निर्माण के लिए दुनिया भर में से सर्वोत्तम प्रथाओं और संस्थाओं को पूल करेगा ताकि प्राकृतिक आपदाओं में बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के कारकों का निर्माण हो सके। एक और आप काम कर सकते हैं, राज्यसभा टीवी को आप लोग फॉलो करते रहा करिएगा, राज्यसभा टीवी हो गया आपका, लोकसभा टीवी हो गया, PIB हो गया, ये आप देखते रहा करिएगा, इन पर डिबेट रहती है उसे बड़े ध्यान से सुन लिया करिएगा, ठीक है। अभी आई हुई है उसे भी देख लेना आप लोग। स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण, भारत फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की संयुक्त पहल है और आप जानते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नवीकरण ऊर्जा कहने का मतलब है कि आप समझिए कि जैसे जल ऊर्जा हो गया, आपकी पवन द्वारा ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा, आपने देखा है हमारे देश में कई जगह आप सोलर प्लांट भी लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े, अभी आपने रीवा MP में भी देखा है, ठीक है। और एक बात और अपने याद रखिए, आप जानते हैं कि कोयला और जो आपका कच्चा तेल है एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, इसे बनने में आप समझिए लगते हैं लाखों साल, उपयोग होने में एक साल में ही खत्म हो जाता है, जितना आप सोचिए लाखों साल लगते हैं बनने में उतना आप कितने दिन में खत्म कर देते हैं, कुछ ही दिनों में खत्म कर देते हैं। तो ये भी देखने को मिलेगा कि हमें ऊर्जा की तो जो जरूरत हमेशा रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि ऊर्जा के बिना जीवन संभव है, तो हम लोग ऐसी ऊर्जा पर ध्यान दे रहे हैं जो कार्बन कम उत्सर्जन करती हो, प्रदूषण कम फैलाती हो और एक तरह से हमारी जिंदगी जब तक है तब तक हमारे साथ बनी रहे। आईएसए कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में योगदान देगा। भारतवर्ष 2020-2022 के लक्ष्य से पहले पेरिस जलवायु समझौते के तहत किए गए अपने जलवायु प्रतिबद्धताओं के एक हिस्से के रूप में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। उजाला उजाला और LED राष्ट्रीय सड़क विकास कार्यक्रम योजना ने LED लाइट को लोकप्रिय बना दिया है जिससे प्रति वर्ष लगभग 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बचत होगी। उज्ज्वला योजना की बात करें तो इसके तहत धुआं रहित रसोई 80 मिलियन से अधिक घरों में उपलब्ध कराई गई। एक तरह से आपसे अगर कोई पूछे कि सरकार का आप लोगों को दो चार काम बताने हैं तो उज्ज्वला योजना बता सकते हैं आप लोग, जनधन खाता आप लोग बता सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की बात कर सकते हैं, ये ऐसे काम है कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, समझ रहे हैं आप लोग। मरुस्थलीकरण की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन विकास और पर्यावरण को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ता है और इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण और सूखे के बुरे प्रभाव का मुकाबला करना है। स्वच्छ वायु और जल, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है और नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी का कार्यकल्प करना तथा शासन को ट्रस्टीशिप की भावना को प्रदर्शित करता है। तो यही कहानी है आपकी G20 के बारे में, इनके बारे में जो भी फैक्ट है उन्हें याद रखिए आप लोग, जब भी एक तरह से आप जानिए कि जब भी आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं उसमें भी इन फैक्टों को डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है।